कक्षा सात की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। हापुड़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर कक्षा सात की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। नाबालिग को खेत में खींच कर दिया गया, घटना को अंजाम। स्कूल से लौटते समय दो युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। स्कूल से लौटते समय दो युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। नाबालिग को खेत में खींचकर उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूल से लौटते समय दो युवकों ने किया गैंगरेप। दो युवकों ने यहां पर गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस फिलहाल यहां पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये थाना हापुड़ देहात का मामला है और जहां पर छात्र जो है स्कूल से अपने घर लौट रही थी और तभी वहां पर दो युवकों ने जो है उसको नीचे खेत में पकड़ लिया और जबकि उसके साथ गैंगरेप की भी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जो लड़की है उसको भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जी अमन, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? ये जो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उनको लेकर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जैसे ही मामले की पुलिस को जानकारी मिली और जो बीच में रास्ते में स्कूल से घर जाते समय जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज पड़ते हैं, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है और इस पर पुलिस जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। हालांकि पहले मेडिकल के लिए छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जी अमन, परिजनों का किसी पर आरोप है? जी बिल्कुल, अभी परिवार से बात करने की कोशिश की गई थी लेकिन अभी परिवार से कोई बात नहीं हो पाई है। हालांकि परिवार ने अभी किसी भी तरह से जो है किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया। जी जी अमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि परिजनों ने फिलहाल किसी पर आरोप नहीं लगाया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।